जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी, किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? पहले भी नारे लगते थे जिसके साथ थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। पहाड़ी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी, ये चुनाव जीतता है। सरकार ने तो बार बार कहा है कि इन बिलों में, इन कानूनों में अगर किसी भी किसान को लगता है देश में कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत खत्म हो गई, लेकिन इस महापंचायत से निकली बात की गूंज अगले कई महीनों तक यूपी के चुनावी अखाड़े में सुनाई पड़ती रहेगी, ये तो तय। मुजफ्फरनगर में आज लाखों की भीड़ जुटी, कई पार्टियों ने इस किसान पंचायत को समर्थन दिया। अब ये जो सवाल उठ रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला यूपी चुनाव को लेकर के है। पिछले 22 जनवरी से अगर आप देखें तो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बिल्कुल रुक गई है, ठप हो गई है, इसमें गतिरोध बना हुआ है। लेकिन ये जो मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हुई है, उसके बाद से किसान फिर से एक नैरेटिव में आ गए। बात यह है कि क्या इस किसान पंचायत से बीजेपी को अगले यूपी चुनाव में, पश्चिमी यूपी में खास तौर से, बहुत नुकसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही हैं, किसान पंचायत के मंच के पीछे वो समाजवादी पार्टी हो या जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब साथ खड़े हैं। कुछ सामने से हैं जैसे जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी, और कुछ पीछे से हैं जैसे बीएसपी जैसी पार्टियां। और आज एक बात उस मंच से लगातार कही जाती रही, उस मंच से जो मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के नाम पर सजी थी, वहां कहा गया कि बीजेपी को हराना है। और इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं, हैरान करने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, उनको जो 3 नए कृषि कानून है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और मोदी सरकार ने कृषि कानून लाया, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और फिर से वो एक बार उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है यूपी में। तो अगर बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं तो इस पर कोई बवाल हो मुझे नहीं लगता। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी आंदोलन को समर्थन दे रही है, साथ दे रही है, तो इसमें भी सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों का कोई बहुत मतलब नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक मुद्दा होता है, अपना एक एजेंडा होता है। अगर किसान पंचायत पर कृषि कानूनों के खिलाफ वो भी हैं और इस किसान पंचायत को, किसान आंदोलन को, वैसी राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आरएलडी या बीएसपी, समर्थन दे रही है, तो इस बात पर बहुत बवाल होने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी के अंदर इस किसान आंदोलन को लेकर, मतलब किसान आंदोलन से होने वाले राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर अलग अलग तरीके की राय है, अलग अलग तरीके की चिंताएं हैं। जो लोग पूर्वी यूपी में हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, उनको बहुत चिंता नहीं है। लेकिन आज एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के बाद से मामला थोड़ा गर्म हो रहा है। वो है बीजेपी के नेता वरुण गांधी, जो पीलीभीत से खुद लोकसभा के सांसद हैं। इससे पहले वो सुल्तानपुर से लोकसभा के सांसद हैं। पीलीभीत में किसानों के आंदोलन का नुकसान अगर अगला चुनाव लड़ते हैं वरुण गांधी तो हो सकता है। और इसी वरुण गांधी ने जो आज एक ट्वीट किया, उससे बात और आगे बढ़ती है और बीजेपी में जो एक धर्म संकट है ना, बीजेपी में जो कन्फ्यूजन है ना, वो सामने दिख रहा है। पीलीभीत में किसानों के ठीक ठाक आबादी है, सिख वोटरों की भी आबादी है वहां पर, उत्तराई का इलाका है, खेती बाड़ी अच्छी होती है। तो वरुण गांधी ने मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत का वीडियो लगाकर कहा कि ये सब हमारे अपने लोग हैं, इनसे हमें बात करनी चाहिए, इनके दर्द को समझना चाहिए। यही बात जब उन्होंने ट्वीट की वरुण गांधी, उसी समय संजीव बालियान, जो मोदी सरकार में मंत्री है और मुजफ्फरनगर से सांसद है, जो पिछले बार सिर्फ 2500 वोटों से जीते थे चौधरी अजीत सिंह से, और वो चौधरी अजीत सिंह तब बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों के साझा उम्मीदवार थे और 2500 वोटों से बड़े मुश्किल से उनकी जीत हो पाई थी, वो कहते हैं कि हाँ, किसान आंदोलन जो है उसको भी हमें समझना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कानपुर में थे, तो वो कह रहे हैं ये जो किसान के बहाने क्या है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, इस तरह के नेता जो है वो उसके साथ खड़े हैं। कुछ लोग इस पूरे किसान पंचायत को तालिबानी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं।
बात इस तरह करने से खारिज नहीं हो सकती। देखिए यूपी का जो चुनाव है ना, ये किसान बनाम आप बीजेपी सरकार कह लीजिए, लेकिन होगा वही। वोट कैसे पड़ता है, वो पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल हो या यूपी का अवध का इलाका हो, वोट जाति और बिरादरी के नाम पर पड़ता रहा है। आप 2014 से पहले देखें तो जाट वहां पर बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं होते थे, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसके बाद से पूरी पश्चिमी यूपी के राजनीतिक तस्वीर बदल गई। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ वो दंगा। मैं उस दंगे की रिपोर्टिंग के दौरान गया था, मैंने देखा था किस तरीके से जो पहले चौधरी चरण सिंह ने या फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने जाट और मुसलमानों की एकता की बात की थी और जाट और मुस्लिम की एकता का एक तरीके से ये दोनों सूत्रधार बने थे, वो बिल्कुल दो भाग हो गया। जाट और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और बीजेपी को वो फसल मिली, राजनीतिक जमीन मिली कि 2014 के चुनाव में भी उसे बंपर जीत मिली, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी और 2019 में भी, जब तीनों पार्टियां विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां बीएसपी एसपी और आरएलडी एक हो गई थी, तब भी बीजेपी को वो विजय अभियान को रोक नहीं पाया ये साझा गठबंधन। तो एक तरीके से मैं जो कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी इस पूरे आंदोलन को धीरे धीरे ये बताने में कामयाब हो जाती एक तरीके से कि जाट आंदोलन है, ये किसानों की अगुवाई जाट कर रहे हैं, चूँकि जाति और बिरादरी के नाम पर वोट होता है, तो जैसे क्या होता है ना यूपी में यादवों के खिलाफ गैर यादव पिछड़े एक हो जाते हैं, वैसे ही क्या हो रहा है पश्चिमी यूपी में जाटों के खिलाफ गैर जाट, उसमें सैनी शाक लोध कश्यप सब लोग एकजुट हो जाते हैं, उस मामले में भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। आज मैंने देखा कि मंच से जाट और मुस्लिम एकता की बातें की गई, लेकिन 2013 के दंगों के घाव अब भी, वो क्या कहते हैं ना कि एक बार धागा टूट जाए ना तो उसको जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, वो रहीम के दोहे तो आपने कई बार सुने हैं और यहाँ भी वो बात लागू होती है। वो जाट और मुसलमानों के बीच एकता की बात की जा रही है, ज्वाला और नरेश टिकैत की फोटो जो है ना वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या हाथ मिल जाने से दिल मिल जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा अभी, क्योंकि दंगे के दौरान जो कुछ हुआ था उसमें अगर छोटे छोटे मामले उठ जाते हैं, पुराने वीडियो आ जाएंगे, पुरानी घटनाएं आ जाएंगी, पुराने केसेज खुल जाएंगे, तो फिर से वो जख्म हरे हो जाएंगे और तब फिर ये जो एक तरीके से अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है कि ये किसान आंदोलन जाट आंदोलन है, उस जाटों में से भी अगर मुस्लिम और जाट के बीच में दरार पड़ जाती है, तो यकीन मानिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी एक तरीके से, और किसान आंदोलन से बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वरुण गांधी को जो चिंता है वही चिंता संजीव बालियान की भी है कि अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे इन्हीं के बीच जाकर के वोट लेना है, तो ये चिंता की बात है कि अगर किसान नाराज हुए और इन किसानों के पीछे में पूरा समाज, क्योंकि खेती बाड़ी ना वो सब लोग करते हैं, वो सैनी भी करते हैं, शाक भी करते हैं, जाटव भी करते हैं, गैर जाटव भी करते हैं, और इस किसानी खेती बाड़ी के नाम पर अगर सब एकजुट हो गए तो फिर हालात खराब हो सकते हैं बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में। तो बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। लेकिन देखिए ना 2014 2017 और 2019 की जीत के बाद से बीजेपी के हौसले बहुत बुलंद हैं, और खासतौर से 2019 के जीत के बाद, क्योंकि तब तो तीनों अखिलेश मायावती और चौधरी अजीत सिंह जो अब नहीं रहे, वो तीनों एक होकर भी बीजेपी को रोक नहीं पाए थे। लेकिन पश्चिमी यूपी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, दो तरीके के टेस्ट होंगे कि क्या किसान आंदोलन चुनाव जिता सकता है, चुनाव हरा सकता है, पश्चिमी यूपी में इसका टेस्ट होगा। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि जाट और मुसलमान एक हो गए हैं, इसका भी एक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वो स्थिति बदल गई थी। तो क्या फिर दोनों एक साथ हो गए हैं, इस दोनों का टेस्ट होगा, और क्या बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है जैसा उसकी सोच है, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रही है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा पश्चिमी यूपी में जो चुनाव आने वाला विधानसभा। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आज बात की कि वो भारतीय किसान यूनियन के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लगातार सभी मंडलों में किसान पंचायत होगा, लेकिन वो जान रहे हैं कि इस आंदोलन को अगर जिंदा रखना है ना तो यूपी चुनाव से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए सभी मंडलों में किसान पंचायत लगाएंगे, यानी माहौल को धीमे धीमे आंच पर ना वो सुलगाते रहेंगे राकेश टिकैत। लेकिन इसका कितना फायदा होता है कहना बड़ा मुश्किल है, सब कुछ तय होगा ना यूपी चुनाव से, इस किसान आंदोलन की भी दशा दिशा तय होगी और बहुत कुछ तय होने वाला है। तो नजर बनाए रखिए यूपी चुनाव पर, और उसकी एक एक खबर और उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि यूपी में हमने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है।